हरियाणा के अम्बाला में गोलीकांड की भयानक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये इको स्पोर्ट्स कार से बदमाश आते हैं और इस कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। मामला महेशनगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 10 राउंड गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि दूसरे शख्स को 4 से 5 गोली लगी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने 20 साल के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। शादी में पैसों की जरूरत थी, इसलिए आरोपी ने चोरी करने का प्लान बनाया और एक घर में चोरी की। यहां से आरोपी ने 3 लाख रुपए कैश, सोने चांदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो आरोपी पकड़ में आया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 20 गाड़ियां बरामद की गई हैं। साथ में एक अवैध तमंचा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई हैं। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है।